आज मुफ्ती सलमान अजरी साहब को सभी मामलों में मिली जमानत। नफरती भाषण देने का था इल्जाम। क्या अब मुफ्ती साहब रिहा होंगे या फिर कोई नए मामले में गिरफ्तार किया जाएगा? इस हवाले से मुफ्ती साहब के भाई और उनके वकील से क्या कुछ बात हुई, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर AIMIM के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने दी। देखें न्यूज एंड न्यूज की ये खास रिपोर्ट। वारिस भाई, सलमान अजरी साहब को बेल मिली फिर भी वो छूटे नहीं। हाँ देखिए, तीन केस थे गुजरात में, तीनों केस में उनको जमानत हो गई। आज उनको मोटासा की कोर्ट ने भी जमानत दे दिया, साबरमती जेल में थे। मगर अभी कुछ देर पहले ही मेरी, हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी MIM की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई। सलमान अजरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहां से मिली है। तो हमारी टीम वहां पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे, और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज, देखिए सिर्फ हकीकत।